सो है गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ नीचे मेरे सोसाइटी गार्डन में, ऐसे ही वॉक करने आया था तो सोचा यहीं से व्लॉग स्टार्ट करूँ। आप लोगों को एक अपडेट देना था कि जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। सो मेरा होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, पर अभी मैं अपना बीकॉम कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं साइड बाय साइड बीकॉम भी कर रहा था। सो अभी मेरा बीकॉम का लास्ट सेम बाकी है। सो जस्ट एन लाइफ अपडेट। मेरा मेन गोल ये साल का ये होने वाला है कि मुझे और ज़्यादा मसल पुट ऑन करना है, क्योंकि मैं ऐसे लूज़ कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा स्किनी लगता हूँ। और बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि ब्रो आजकल जिम नहीं जा रहा है क्या, जब मैं ऐसे लूज़ टी शर्ट्स पहनता हूँ। सो दिल से बुरा लगता है गाइस। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज से एक कैलोरी सरप्लस में खाना स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इतना टाइम से 2300 टू 2500 कैलोरीज खाता था, पर आज से मैं अराउंड 2600 टू 2700 कैलोरीज खाने स्टार्ट करने वाला हूँ। बाय द वे, मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, सो ज़्यादा नहीं, बस 200 सरप्लस से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और मेरा मेन गोल ये है कि मुझे अपने एब्स को मेंटेन रखते हुए मसल गेन करना है, विच इज़ वेरी टफ, क्योंकि फैट ऑफकोर्स गेन होगा ही। सो लेट्स सी। सो आप लोगों को ये एक अपडेट देना था। मुझे ये साल में अपने फिज़िक को और ज़्यादा डेवलप करना है। जो मेरी करंट फिज़िक है उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मसल पुट ऑन करना है, और मेरे कुछ वीक बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें भी और डेवलप करना है। सो या अभी चलते हैं घर, खाते हैं अपना फर्स्ट मील, एंड आई विल सी यू गाइस देयर। ऑल्सो मेरा सोसाइटी गार्डन बहुत ज़्यादा सिक है। यहाँ पे एक गणपति का मंदिर भी है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑल्सो मंदिर के सामने ही मेरा जिम है, सो वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है मंदिर और ये है मेरा जिम। सो जस्ट वेट अपडेट कि करंटली मेरा वेट है 66। सो मुझे गेन करना है एटलीस्ट ये साल के एंड तक अराउंड 70 केजीज इन मसल। उसे ज़्यादा ही करना है, पर बोलने के लिए अभी फ़िलहाल 70 केजीज बोल रहा हूँ, और देखते हैं कैसा जाता है। एंड अभी बनाते हैं अपना फर्स्ट मील, विच इज़ ऑब्वियसली ओट्स। सो जस्ट अ फिजिक अपडेट कि मैं मॉर्निंग में कैसा लग रहा हूँ आज। लेग्स का अपडेट देना भूल गया। मैंने अपने ओट्स प्रिपेयर कर लिए है। दीज आर 90 ग्राम ओट्स, और इसके साथ एक मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने वाला हूँ। जनरली मैं 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ,
और मैं ओट्स दिन में 2 बार कंज्यूम करता हूँ, एक बार मॉर्निंग में और एक बार सोने से पहले। वैसे आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं शाम को मेरे भाई के साथ। पहले हम लोग दोनों आफ्टरनून में ट्रेन करते थे साथ में, पर कॉलेजेस ऑफलाइन चालू होने की वजह से उसको अभी शाम में आना पड़ रहा है। सो आज मैं जा रहा हूँ शाम में, और वही वो बंदा है जो मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने में हेल्प करता है। मिलवाते हैं उससे आज। और आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। आज है पुश डे। और ये याद रखना कि मैं शोल्डर्स के दिन ओवरहेड प्रेसेस नहीं करता, मैं लेग डे के दिन करता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा फील होती है इसलिए। अभी खाता हूँ मैं मील, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट मील। सो इट्स टाइम फॉर मील नंबर टू। ये है 2 होल एग और 1 एग वाइट, और उसके साथ 5 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड। सो मैं सिर्फ एग्स और ब्रेड नहीं खा रहा हूँ, उसके साथ मैं खा रहा हूँ थोड़े से वाटरमेलन्स। सो मैं करता हूँ इस मील को एंजॉय, एंड आई विल सी यू गाइज इन द प्री वर्कआउट मील। सो इट्स टाइम फॉर प्री वर्कआउट मील। तो प्री वर्कआउट में मैं खा रहा हूँ 70 ग्राम्स म्यूसली। और इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ 1/2 कप मिल्क, और ये खा के सीधा मिलता है जिम में। सो गाइज, मैं जिम पहुँच गया हूँ, और मैं हर बार की तरह लेट हूँ, ऑलरेडी आ चुका है। सो ये है सोहन, जो मुझे वीडियो शूट करने में और फोटोज निकालने में हेल्प करता है। सो अभी जाते हैं और एक अच्छा सा वर्कआउट लगाते हैं। It was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see you running? How did I get behind?
डन विद द वर्कआउट. बहुत अच्छा वर्कआउट था, काफ़ी इंटेंस था और एक अच्छा पंप आया. सो अभी मैं करने वाला हूँ 15 to 20 minutes कार्डियो. सोहन घर पे चला गया है, मैं करने वाला हूँ कार्डियो और फिर इसके बाद मैं जाने वाला हूँ घर. सो व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ. अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना अपने थॉट्स एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.